नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक लगातार। आज तक पर आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है। और आपको इस बीच जो बड़ी खबर बता दें वो ये कि आतंकी घिर चुके हैं, दो गुटों में ये आतंकी अलग अलग बटे हुए हैं, दो घरों में और जिन इलाकों में ये है इस वक्त उसे सेना ने घेर लिया है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि धीरे धीरे आतंकी जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं, गोली बचा कर रखना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिले करना चाह रहे हैं पूरे प्रोसेस को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उनकी एक ये सोच हो कि इस बीच वो किसी तरह से रास्ता निकाल लें और जिस मंशा से जिस मकसद से वो आए हैं उसे वो अंजाम दे, जो कि अब दिखना बड़ा मुश्किल है, लगना बड़ा मुश्किल है। आपको हम बता दें क्योंकि सेना ने हमारी पूरी तरह से हमारे कमांडोज ने घेर लिया है उस पूरे इलाके को। आपको बता दें उधमपुर से जम्मू लाए गए वायुसेना के पैरा कमांडोज और ये जो पैरा कमांडोज है आपको बता दें 365 दिन इनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह के अगर कुछ हमले हुए या आपात स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसलिए पूरी तरह से ये ट्रेंड होते हैं और ये पैरा कमांडोज इस कैंप के अंदर हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं दो गुटों में, इसलिए उनका बच निकलना तो बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल योगी बहल साहब भी जुड़े हुए हैं और कमोडोर जीजे सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहल साहब, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे सर कि फिलहाल जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है कि गंभीर है, लेकिन हमारे सैनिक और हमारे कमांडोज जिनकी हम बात कर रहे हैं पैरा कमांडोज, वो पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन यहाँ मंशा जो नजर आ रही है ज्यादा से ज्यादा डिलेइंग की, उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? जब हमने उनको अगर घेर ली, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कमांडोज ने उनको घेर लिया है जी, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन पहले घुटने टेकता है। वो अपना एम्यूनिशन बचा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने घुटने टेक दे, या तो उनके ऊपर हम मिसाइल फायर करें ताकि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हमारी इस वक्त कोशिश होनी चाहिए कि बिना फायर किए अगर हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें कि वो सरेंडर कर दें हमको, तो हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मारना तो मरना तो उन्होंने है ही है, वो तो वैसे ही शहीद होने के लिए आए हैं, अपनी जिहाद है उनके लिए। तो हमें इस समय कोशिश करनी, मुझे पूरा उम्मीद है कि जो ग्राउंड पर जो हो रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका कैसे दम तोड़ा जाए ताकि आखिरकार अपने आप को सरेंडर करें। और उस सरेंडर करने के लिए कई तरीके हैं, स्मोक बम्स फेंक करके भी कर सकते हैं, कुछ गैस के तरीके भी कर सकते हैं, किसी तरह से उन्हें सरेंडर कराया जाए तो बेहतर है, और वैसे नहीं तो उनको बर्बाद तो मार दिया जाएगा। जी कमांडर जीजे सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, यहाँ पर सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में वाकई किस तरह की टेक्निक सेना जो है और हमारे कमांडोज जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि जैसा बहल साहब ने बताया, सर ने बताया कि उन्हें जिंदा पकड़ना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसमें क्या ये भी सेफ्टी पॉइंट भी जरूरी है, क्योंकि जिन दो घरों में वो छिपे हुए हैं अब तक ये पूरी तरह से अश्योर हम नहीं हो पाए हैं कि अंदर क्या कुछ और भी लोग हैं जो कि अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, ऐसे में कदम किस तरह का उठाया जाए? देखिए, ये एक बहुत ही, जैसे आपने कहा, एक मैं समझता हूं कि नाजुक और पेचीदा, एक वेरी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने जो लोग हैं जो अनआर्म्ड हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं, हो सकते हैं कि वहाँ पे कुछ महिलाएं हों, कुछ एल्डरली पेरेंट्स हों जो हमारे फौज के फौज में जो साथ रहते हैं फैमिलीज के साथ, बच्चे हों, और जो एरिया है वो इलाका है जिस जहाँ पर ये घुसे हैं वो वहाँ सब, जिसे कहते हैं कि हमारे लिविंग क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर लोग थे। अभी मुझे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके रिपोर्टर्स बता रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो जो एरिया वो खाली करा चुके हैं, और एक बार वो खाली हो गया और हमें ये पूरा जिसे कहते हैं कि पता लग गया कि अभी क्रॉस फायर के अंदर, क्योंकि अगर हमने फाइनल एक्शन लेना है उनके ऊपर, उनको डिस्ट्रॉय करना है या कोई ऐसा हमला करके उनको बिल्कुल मार गिराने का है, तो इसके अंदर फायर फाइट तो होगा ही, तो उसमें अगर हमारा कोई आदमी मरता है, हमारे लोग मरते हैं, तो बहुत सीरियस बात हो जाएगी। तो ये जो आर्मी हमारी है जी, बहुत ही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे कमांडोज भी जो है वो भी बहुत सोच समझकर और समय लेकर ये कर रहे हैं। सर आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दी कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर, ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उस पर नजर उनकी बनी हुई है और हमारी जो सेना है, हमारे जो कमांडोज हैं, वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं।
जानकारी प्राप्त हुई है कि भी ऑपरेशन चल रहा है। मैं समझता हूं कि ऑपरेशन जब तक समाप्त नहीं होता तब तक कोई भी कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता। नहीं, कोई जानकारी जब तक ऑपरेशन समाप्त नहीं होता है तब तक मेरे द्वारा कुछ कहा जाना ये कदापि उचित नहीं होगा। सर, लेकिन हमले बहुत ही बार बार हो रहे, क्या अपना कुछ प्लान रहेगा? नहीं, आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए, हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वह दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। सर, लेकिन और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। सर, भारतीय सैनिकों पर, जवानों पर यही जो विश्वास है बहुत बड़ी बात है, और न सिर्फ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर कह लें कि पूरा देश जो है वो विश्वास करता है उन पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अकबर लोन पूरी तरह से घिर गए हैं। लोन उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जब आर्मी कैंप में आतंकी हमले को लेकर बीजेपी विधायक सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोन की नारेबाजी से किनारा करते हुए इसकी आलोचना की है, लेकिन अकबर लोन पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। बाद में मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैंने बोला उसके जब उसने ऐसे उन्होंने कहा तो मैंने बोला उसमें क्या तो लगता नहीं ऐसे एमएलए हैं। नहीं आप वो मेरे ऊपर छोड़ो, आप मेरी व्यू ले नहीं है आप। मैंने व्यू अपना दे दिया, मैंने कह दिया आपको उससे क्या तकलीफ पहुंचती है? मैंने कह दिया इसमें आप कोई तकलीफ नहीं पहुंचते, ये मेरा अपना व्यू है, पर्सनल व्यू है, हाउस के अंदर कह दिया, आपके सामने भी कहता हूं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस बीच जो आपको हम बता दें, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी भेज रहा है और अगर वो नहीं माना तो उसका अंजाम बुरा होगा। और ये आतंकवादी सब पाकिस्तान से आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों तो उन्हें ये आतंकवादी बंद करना पड़ेगा और आतंकवाद बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अगर यही ऐसा चलता जाएगा तो मुझे नहीं दिखता कि फिर हिंदुस्तान युद्ध करने से रुक जाएगा। और आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन के बीच सजवान आर्मी कैंप के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। और ये देखिए, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नारे लगाए सजवान आर्मी कैंप के बाहर। मेजर बहल हमारे साथ बने हुए हैं और कमोडोर जीजे सिंह साहब भी बने हुए हैं। मेजर बहल साहब, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अभी दो खबरें जो अभी हमने दिखाई हैं, खून खौलता एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि एक तरफ आर्मी कैंप पर हमारे इस तरह से हमला हो रहा है, हमारे कमांडोज जी जान से लगे हुए हैं अपने लोगों को बचाने के लिए और इन आतंकियों को नेस्तनाबूद खत्म कर देने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे ही यहाँ एक स्टेट में एक नेता खड़ा होता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो भी बड़ी बेशर्मी से बाहर आकर मीडिया के सामने कहता है कि हाँ मैंने कहा है, उसमें क्या गलत है? क्या कहेंगे इस पर आप? ये ऐसा है कि मेरा अपना विश्वास और मेरा जो अपना चलन है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने होकर खड़े होकर कहे पाकिस्तान जिंदाबाद तो मैं समझ लूंगा कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये दुश्मन है और इसको या तो गोली मार देनी चाहिए या इसको उठा करके जेल में बंद करो और इसके ऊपर लीगल एक्शन दिया जाना चाहिए। जी, दूसरी चीज ये है कि मैं ये बहुत खुशी होगी कि मुझको देख करके कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको विश्वास है कि हम बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम परिस्थिति को संभाल लेंगे। मैं एक चीज चाहता हूं, आप जरा अपने संवाददाताओं से जो जमीन पर है उनसे पता करें कि क्या उन्होंने कोई होस्टेज रखा हुआ है, क्योंकि यदि उस घरों में कुछ रह रहे होते तो अभी तक खबर आ जानी चाहिए थी कि हमारे वहां पर
किसी की बहन बेटी बहू या कोई वहां पर है, परिवार का कोई सदस्य है वहां पर, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से जो दो घरों में रुके हुए छुपे हुए हैं वो खाली घर है, उसमें कोई नहीं है, ये मेरा अपना विश्वास है। हो सकता है उसमें कोई हो भी, तो हो सकता है कि देर जो चल रही है, देरी जो लग रही है, वो इसीलिए लग रही है कि उसको किस तरह से उनको बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर हम अपने संवाददाता से जानेंगे। जीजे सिंह साहब, यहाँ सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि काफी लंबी बहस चल रही है और हर बार 31 दिसंबर 2017 में भी इस तरह की अभी घटना बीएसएफ के कैंप पर वहां पर हुआ था। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में, आपको भी अगर याद हो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था, आतंकी हमला वहां पर हुआ था। इसी तरह का ऑपरेशन, इसी तरह की चर्चा, हर बार रिपीटेटिव, बार बार, आखिर क्यों और कब तक? क्या हम हमेशा यही स्टैंड, क्या हमारा जो भारत का स्टैंड है ये सही है, या फिर आपको लगता है आइडियोलॉजिकली या फिर पॉलिटिकली कुछ और तरीके से सोचने और समझने की जरूरत है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें जो अपनी सोच है उसको बदलना पड़ेगा, हमें एक कोर्स करेक्शन, जिसे कह सकते हैं कि कोर्स ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ये साइक्लिक बन चुका है, हम देखते हैं कि हमले होते हैं, हर वीक होते हैं, हर महीने होते हैं, हर सीजन में होते हैं, और ये मैं पिछले 5-6 साल से जो देख रहा हूँ, मैं ये प्रोग्राम ऐसे कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी टाइम आ चुका है कि हम अपनी सोच को बदलें, क्योंकि सोच हमारी अभी भी जिसे कहते हैं वो कोल्ड वार ईरा की है। हमें खुलकर दुनिया के अंदर ये बताना चाहिए कि हम ये जो LOC हो रखी है, जो 71 के अंदर दोनों आर्मीज लड़ रही थी और एक सीज फायर लगी, फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, हम इसको नहीं मानते, हम बिल्कुल इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम इसको नकारते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, अब कोल्ड वॉर से निकलकर अब आगे सोचना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जानेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।